केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जो डीएनएस अलाउंस मिलता है और जो पेंशनर्स हैं जिनको डीएनएस रिलीफ मिलता है, इन दोनों में पहली जनवरी 2024 से 4% की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। पहली जनवरी 24 से 4% की वृद्धि से देश भर में बड़े पैमाने पे हमारे पेंशनर्स को लगभग 50 लाख जो एम्प्लॉयज हैं और लगभग 68 लाख जो पेंशनर्स हैं, इन सबको इसका लाभ होगा और इसका वे लगभग 12,868 करोड़ रुपए केंद्र सरकार के ऊपर रहेगा। इसके अलावा एक और लाभ जो इससे जुड़ा हुआ है, अब डीए कुल मिला के 50% हो गया, 46 से बढ़कर 4% जोड़ के 50% हो गया। तो इसके कारण अब जो हाउस रेंट अलाउंस हमारे कर्मचारियों को मिलता है उसकी मूल वेतन का जो हाउस रेंट अलाउंस है वो भी 27, 18 और 9% से बढ़ के 30, 20 और 10% दिया जाएगा। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जो डीएनएस अलाउंस मिलता है और जो पेंशनर्स हैं जिनको डीएनएस रिलीफ मिलता है, इन दोनों में पहली जनवरी 2024 से 4% की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। पहली जनवरी 24 से 4% की वृद्धि से देश भर में बड़े पैमाने पे हमारे पेंशनर्स को लगभग 50 लाख जो एम्प्लॉयज हैं और लगभग 68 लाख जो पेंशनर्स हैं, इन सबको इसका लाभ होगा और इसका वे लगभग 12,868 करोड़ रुपए केंद्र सरकार के ऊपर रहेगा। इसके अलावा एक और लाभ जो इससे जुड़ा हुआ है, अब डीए कुल मिला के 50% हो गया, 46 से बढ़कर 4% जोड़ के 50% हो गया। तो इसके कारण अब जो हाउस रेंट अलाउंस हमारे कर्मचारियों को मिलता है उसकी मूल वेतन का जो हाउस रेंट अलाउंस है वो भी 27, 18 और 9% से बढ़ के 30, 20 और 10% दिया जाएगा।